आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पाई है, जिस पर कांग्रेस की कार्यकारिणी की सदस्य कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उनसे बात की थी और पार्टी जल्दी ही उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। आगे क्या कुछ कहा देखिए। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में जो जिस उम्मीद से उन्हें दिया गया था और सरकार बनी थी और 75 पार का नारा देकर लोगों को बरगला कर इस सत्ता में आए, आज इनके सारी ज़मीन ये खो चुके हैं और लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत हो चुकी है और ये समय बता देगा, ये उपचुनाव भी बताएगा। कुछ लोग कांग्रेस में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कांग्रेस से कितने लोग हैं जो जीत कर जाते हैं और फिर बाद में इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो लेकिन इतना भी मैं कहूँगी कि हरियाणा में लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बने और कांग्रेस पार्टी की आगे सरकार बने। लोगों की भावना ज़रूर कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो देखो, हर तरह के हैं, आज जो आम गरीब आदमी के हैं, किसान के हैं, व्यापारी के हैं, हर तरह से जो ये सरकार हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है, बहुत से मुद्दे हैं, तो उन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी